हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इंडिया जीके सीरीज में, रिवीजन की सीरीज में हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये 155 क्वेश्चंस हैं ये इस वाले वीडियो में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा जो है वो नहीं गुजरती? तो ये उत्तर प्रदेश इसमें ऑप्शन है। एक्चुअली 8 राज्यों से गुजरती है, वो 8 राज्य आपने ध्यान रखने हैं। अंडमान को निकोबार से क्या अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, और 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल मालदीप को जो है वो मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, भारतीय मानक समय जिसको हम IST के नाम से जानते हैं, 82.5 डिग्री पर है वो GMT से कितना आगे है? तो वो 5.5 घंटा आगे है। और भारतीय मानक समय जो है वो नैनी से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से, और इलाहाबाद का नया नाम जो है वो प्रयागराज हो गया। ठीक है, तो GMT से कितना आगे है? 5.5 घंटा। ठीक है, और GMT लंदन से गुजरती है रेखा, और IST जो है वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद से गुजरता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व का कितना परसेंट जो है भौगोलिक क्षेत्र है? तो भारत में 2.4% है भौगोलिक क्षेत्र, और जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या का 17.5% है भारत में निवास करती है। यानी हमारे पास एरिया जो है वो सिर्फ 2.4% है, लेकिन पॉपुलेशन दुनिया की हमारे पास 17.5% है, यानी लगभग जो है 6 से 7 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी। 2.01% जो है वो हमीरपुर का एरिया है, हिमाचल के एरिया का। नाथुला पास जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, लिपु लेक जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। लिपु लेक आपने सुना होगा, नेपाल के साथ विवाद चल रहा है, काला पानी लिपु लेक। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है, और अमरकंटक से निकलती है ये नदी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। ठीक है, और गिरती कहाँ पर है? अरब सागर में। ताप्ती भी जो है वो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है, और नर्मदा नदी का बार हमने पढ़ लिया। ठीक है, नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा है, और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है चिल्का झील। ठीक है, और सांबर झील जो है वो राजस्थान में नमक के लिए फेमस है। ठीक है, चिल्का जो है सबसे बड़ी झील भी है खारे पानी की। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। तुतीकोरन तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और गुजरात में तो हमने पढ़ी लिया कांडला बंदरगाह है, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। ठीक है, तो पारादीप और कांडला ये ज्यादा पूछे जाते हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, और पारादीप जो है वो उड़ीसा में है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा जंगल कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा जंगल, और अगर प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम में है। ठीक है, वर्तमान में जो 2019 की रिपोर्ट है, भारत में 24.56% जंगल हो गए हैं अब। ठीक है, और हिमाचल 5 में भी इस बार जंगल बढ़े हैं, पहले 24.39 थे। ठीक है, फिर चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, चिपको आंदोलन जो है वो 1973 में जो है हुआ था, और चमोली में हुआ था, चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और अमृता देवी जो है वो खेजरली आंदोलन से जुड़ी है राजस्थान में। फिर कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है? तो काली मिट्टी है। ठीक है, इसको रेगड़ के नाम से जानते हैं, पश्चिमी भारत में है ये, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। सर्दियों में उत्तर भारत में बारिश किसकी वजह से होती है जनवरी फरवरी में? तो ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। मानसून की बारिश तो ज्यादातर जुलाई अगस्त सितंबर में होती है। ठीक है, जो सर्दियों में बारिश होती है उत्तर भारत में होती है। ठीक है, तो वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। ठीक है, नवंबर में बारिश होती है, नवंबर में तमिलनाडु में बारिश होती है, तो वो लौटते हुए मानसून की वजह से होती है। जब मानसून वापस टकरा के वापस आ रहा होता है तो बंगाल की खाड़ी से वो नमी लेके फिर जो है वो तमिलनाडु में बारिश करता है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? तो महानदी पर है, उड़ीसा में सबसे लंबा बांधों में से एक। 1957 में इसका उद्घाटन हुआ था। केवला देव जिसको हम घाना पक्षी विहार भी कहते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भरतपुर में राजस्थान में स्थित है। बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, टाइगर रिजर्व है बांधवगढ़। कलेसर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा में है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का पहला नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है। ठीक है,
भिलाई छत्तीसगढ़ स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से चल रहा है? तो ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से चल रहा है, 1955 में लगा था ये। ठीक है, जो दुर्गापुर में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में जो है 1956 में लगा था। ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से चल रहा है, और जर्मनी के सहयोग से जो है राउरकेला उड़ीसा में लगा था 1955 में। ठीक है, स्टील प्लांट, और बोकारो जो स्टील प्लांट है झारखंड में, वो रूस के सहयोग से चल रहा था, वो 1966 में लगा था। तो टोटल हमारे पास चार स्टील प्लांटों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कि किस राज्य में स्थित है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में है, और बोकारो जो है वो झारखंड में है। ठीक है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ वाला रूस के सहयोग से लगा था, ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर वाला लगा था, और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा वाला लगा था, और बोकारो जो झारखंड वाला है वो रूस के सहयोग से लगा था। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा स्थान फेमस है? तो ये फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जो है वो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ जो है वो तालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अखबारी कागज के लिए भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नेपानगर प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश का नेपानगर जो है वो अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का सिंदरी जो है वो उर्वरक के लिए, फर्टिलाइजर के लिए फेमस है, और पिंपरी जो है वो महाराष्ट्र में है, वो एंटीबायोटिक्स के लिए फेमस है, और खेतड़ी जो है वो राजस्थान में है, ये कॉपर माइंस यानी तांबे के लिए फेमस है, तांबे का यहाँ पर वो है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है, कौन सा है? तो ये पहले खड़गपुर था वेस्ट बंगाल का, अब जो है गोरखपुर है, 1366 मीटर। ठीक है, गोरखपुर से ही योगी आदित्यनाथ सांसद हैं। ठीक है, तो 1366 मीटर है, पहले खड़गपुर जो 1072 मीटर था। भारत में पहली रेल कब चली? तो 1853 में चली, 34 किलोमीटर बॉम्बे से ठाणे के बीच में। ठीक है, लेपचा जनजाति जो है ये किस राज्य में मिलती है? तो ये सिक्किम में मिलती है, केरल में इरूला जनजाति पाई जाती है, तमिलनाडु में टोडा, और मेघालय में गारो और खासियां जनती, ये जो है जनजाति पाई जाती है, गारो खासी। फिर है भारत की जो नई नया केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इनको जोड़ के एक बना दिया गया है। ठीक है, तो इसकी नई राजधानी क्या है? तो इसकी नई राजधानी है दमन। पहले दादरा नगर हवेली की और दमन और दीव, ये दो अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब दोनों को जोड़ने के बाद दोनों की नई जो राजधानी है वो दमन हो गई है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हो गए? अब पहले 7 थे, फिर 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग होने से 9 हो गए, फिर इन दोनों को जोड़ने से 8 हो गए। तो इन दोनों पे ही जो दादरा नगर हवेली दमन द्वीप पे कब्जा था पुर्तगालियों का, गोवा पे भी उन्हीं का कब्जा था, 1961 में गोवा आजाद हुआ है भारत। और 26 जनवरी 2020 को जो है वो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक बना दिया गया। बिहू कहाँ का डांस है? बिहू असम का डांस है। और चाय का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कौन सा राज्य करता है? चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो कौन सा राज्य करता है? आसाम जो है वो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, सूर्य केंद्रित सिद्धांत देने वाले कॉपरनिकस किस देश के थे? तो सूर्य केंद्रित सिद्धांत देने वाले कॉपरनिकस जो हैं वो, एक मिनट, क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, चलिए जो भी हमारे पास आ रहा है हम उसको देख लेते हैं। भारत में, भारत का जो दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है लगभग 19.9 करोड़ यानी 20 करोड़ के आसपास है। ठीक है, फिर है भारत में किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? तो ये 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है भारत ने सबसे पहले जो है स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो है वो 2020 में होना था, पोस्टपोन हो गया अब 2021 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईडन गार्डन स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम जो है क्रिकेट स्टेडियम है, ये कोलकाता में है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये करनाल में है। ठीक है, पुणे में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है। ठीक है, और लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, और फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो देहरादून में है। फिर है गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है, बुद्ध चरित अश्वघोष की किताब है, और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखी है। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था।
सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा दिया था। महात्मा गांधी ने जो है वो हमने पढ़ लिया, ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था। और जवाहरलाल नेहरू ने जो नारा दिया था वो है आराम हराम है। और बाल गंगाधर तिलक ने जो नारा दिया था वो था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ठीक है। www.www का क्या फुल फॉर्म है, तो इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। डॉक्टर डे कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाते हैं, 15 जनवरी को हम आर्मी डे यानी थल सेना दिवस मनाते हैं, 29 मई को हम माउंट एवरेस्ट डे मनाते हैं, और 14 सितंबर, ठीक है, कल जो है ये 14 सितंबर आने वाला है, 14 तारीख आने वाली, तो ये हम हिंदी दिवस जो है मनाते हैं, और हिंदी सप्ताह 14 से 21 सितंबर तक होता है, ठीक है। और डॉक्टर डे हम कब मनाते हैं, 1 जुलाई को, जो जो भी ऑप्शन है इसमें। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो भारत रत्न है। 1954 में एस राधाकृष्णन, सी राजा गोपालाचारी और सी वी रमन को सबसे पहले दिया गया था। पीपल का पत्ता होता है इसमें, ठीक है, सूर्य और भारत रत्न और सत्यमेव जयते लिखा होता है इसपे, ठीक है। दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण आता है, 7 लोगों को मिला इस साल, ठीक है। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। फिर है कौन सा देश नोबेल पुरस्कार देता है, तो नॉर्वे और स्वीडन देते हैं, ठीक है। नॉर्वे देता है शांति का, और बाकी जो 5 हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर नॉर्वे और स्वीडन आएगा। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबल का जो जन्मदिन है, उस दिन जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है संयुक्त जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी है 10 दिसंबर को, तो नोबल पुरस्कार जो है उस दिन वितरित किए जाते हैं, स्वीडन देता है, ठीक है। 6 फील्ड में मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स, साहित्य और चिकित्सा। 1901 से देने शुरू किए गए, ठीक है। अर्थशास्त्र का जो है वो 1969 से देना शुरू किया गया, ठीक है। पहले 5 दिए जाते थे, बाद में अर्थशास्त्र जोड़ के 1969 में 6 हो गए, ठीक है। और जो शांति वाला है वो नॉर्वे देता है, बाकी 5 जो है वो स्वीडन देता है, ठीक है। और किसके नाम पे पड़े हैं ये नोबेल पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो मीरा साही फातिमा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश थी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं हुई है आज तक, ठीक है। और जो आरती साह है वो इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला है, ठीक है, आरती साह। फिर है ऑस्कर अवार्ड विदेशी भाषा वर्ग में नामित होने वाली पहली फिल्म कौन सी थी, तो मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, और ठीक है, तो सलाम मदर इंडिया जो है ये पहली फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो है सलाम बॉम्बे भी नॉमिनेट हुई है, ठीक है, और 2001 में आमिर खान की फिल्म भी जो है वो नॉमिनेट हुई है। रॉ जो है वो किस देश की खुफिया एजेंसी है, तो रॉ जो है वो भारत की खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इसका फुल फॉर्म। इसी तरह से रूस की KGB है और पाकिस्तान की ISI है, जिसको इंटर सर्विस इंटेलिजेंस कहा जाता है, और अमेरिका की CIA, FBI है, और इसराइल की मोसाद है, ठीक है। ये सारी जो है खुफिया एजेंसीज हैं, भारत की रॉ, पाकिस्तान की ISI, रूस की KGB, अमेरिका की CIA और FBI, और इसराइल की मोसाद। फिर इंदिरा गांधी की समाधि कहाँ पर है, तो इंदिरा गांधी की समाधि को हम शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं, नई दिल्ली में शक्ति स्थल। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट में है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन, और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि जो है वो विजय घाट है। फिर है 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का निवास स्थान है, तो ये इंग्लैंड के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, सॉरी इंग्लैंड में राष्ट्रपति तो होते नहीं, वहां महारानी है, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहता है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो 7 रेस कोर्स में रहा करते थे, अभी उसका नाम जो है लोक कल्याण मार्ग है, 7 लोक कल्याण मार्ग। और नेपाल और भारत का जो राष्ट्रपति है वो रायसीना हिल्स में रहता है, ठीक है। कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है, 6 भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है, तो जर्मन और अमेरिकन जो है वो भाषा नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ की, इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज है, अरेबियन है, रूसी है, स्पेनिश है। ये शुरू की 6 जो है ये भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, जिसको मंदरीन के नाम से जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है मंदरीन, जिसको हम चीनी भाषा कहते हैं, ठीक है। फिर है यूनियन जैक कहाँ का झंडा है, तो ये जो है ब्रिटेन का झंडा है, ठीक है, यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है,
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार पटेल की मूर्ति को कहा जाता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और एफिल टावर कहाँ पर है, ये पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और टाइम्स स्क्वायर कहाँ पर है, ये लंदन में है। और क्रेमलिन कहाँ पर है, ये मॉस्को में है, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो त्रिग्वेली थे, नॉर्वे के, 1946 से 53 तक, ठीक है। और फिर जो यूथांट हैं, ये बर्मा के थे, म्यांमार के, और ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं, ठीक है। फिर नेवी का जो हाईएस्ट रैंक क्या है, तो एडमिरल है, ठीक है। जो भी नेवी का जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसको एडमिरल कहा जाता है, ठीक है। और नौवीं रैंक जो है वो लेफ्टिनेंट की है इसमें। इसी तरह से जो है एयर चीफ मार्शल जो है वो एयरफोर्स की सबसे बड़ी रैंक है, और सबसे छोटा जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर है इसमें, जो ऑफिसर्स में है। इसी तरह से जो आर्मी की है वो जनरल है, और सबसे छोटा जो है वो सब लेफ्टिनेंट आता है इसमें। 9 रैंक होते हैं टोटल ऑफिसर के, ठीक है। तो पहला रैंक और 9वां रैंक मैंने आपको बताया, ठीक है। जनरल आर्मी में है सबसे बड़ा, ठीक है। जैसे MM नरवणे जो है वो जनरल है इस समय, और सबसे छोटा सब लेफ्टिनेंट है, ठीक है। एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और फ्लाइंग ऑफिसर जो है वो 9वां रैंक है, और एडमिरल नेवी में होता है, ठीक है। और सबसे छोटा रैंक जो है वो लेफ्टिनेंट है, ठीक है। फिर ITBP का गठन कब हुआ था, 1962 में, ठीक है। 1948 में NCC, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल जो है वो 1963 में, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, ठीक है, वो जो है 1965 में उसका गठन हुआ था। फिर है इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, भारत इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है, 1969 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और तिरुअनंतपुरम जो है केरल का, वहां पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ठीक है। लौह पुरुष किसके नाम से कौन जान, आयरन मैन के नाम से हम किसे जानते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष के नाम से जाना जाते थे। सीमांत गांधी जो है, फ्रंटियर गांधी जो है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। और महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जो है वो जाना जाता था, ठीक है। राष्ट्रपिता की उपाधि जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दी है, और जो महात्मा की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम था। और मेसोपोटामिया जो है इराक का जो है वो पुराना नाम था। पर्शिया ईरान का पुराना नाम था। और निपोन जो है वो जापान का पुराना नाम था, ठीक है। फिर है हमारा सूर्य केंद्र, ये क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन। सूर्य केंद्रित सिद्धांत हिलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तो वो दी थी कॉपरनिकस ने। और वो किस देश के थे, वो पोलैंड के थे। सूर्य केंद्रित सिद्धांत यानी कि सूर्य जो है वो सभी चीजों का केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो ये आइसो हाइट्स कहलाती हैं, ठीक है। आइसोबार जो है वो समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को कहा जाता है, उनको जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, ठीक है। आइसोबात जो है समान समुद्री गहराई वाले स्थानों को जोड़ने वाले जो रेखाएं हैं उनको कहा जाता है। और समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को जो है आइसोहलाइन कहते हैं, ठीक है। तो आइसोबार समान वायु दाब, आइसोहाइट समान वर्षा, आइसोबात समान समुद्री गहराई, और आइसोहलाइन समान लवणता, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जो है अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। हर साल 2 सेंटीमीटर जो है महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये 1912 में दिया था, जर्मनी के थे ये। हेली धूमकेतु कितने साल बाद दिखाई देता है, तो ये 76 साल बाद दिखाई दिया था। उस पिछली बार जो है ये 1986 में दिखा था, ठीक है। अब 76 साल बाद यानी कि फिर अब ये कब दिखाई देगा, ठीक है, तो 2062 में दिखाई देगा, ठीक है। 1986 में हम जो है 76 साल जोड़ देंगे। फिर सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, बुध है। सबसे छोटा भी जो है वो ग्रह बुध ही है। और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, नेपच्यून यानी कि वरुण, ठीक है। तो बुध सबसे पास का ग्रह है, और वरुण जो है, नेपच्यून जो है वो सबसे दूर का ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र जो है सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। 8 ग्रह हैं टोटल, ठीक है। और सबसे चमकीला ग्रह भी है, ब्राइटेस्ट स्टार भी है शुक्र, वीनस कहते हैं जिसको। धरती के सबसे पास भी है शुक्र ग्रह, और इसको सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र को। और सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। पृथ्वी की वर्तमान आयु कितनी है, 4.6 अरब वर्ष। सूरज की भी इतनी ही आयु है।
ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट जो है वो अग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, ठीक है। और जो संगमरमर होता है वो कायंत्रित चट्टानों का उदाहरण है, ठीक है। पृथ्वी की जो पपड़ी है, अर्थ क्रस्ट है, उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व यानी एलिमेंट पाया जाता है? तो ऑक्सीजन है, 47%, ठीक है। अगर यहाँ तत्व की जगह अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातु पाई जाती है, तो धातु जो है वो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन और सिलिकॉन ये धातु नहीं है, मेटल नहीं है, ये अधातु है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन अधातु, ठीक है। अगर ये पूछा जाएगा सबसे प्रचुर मात्रा में अधातु या एलिमेंट, तब तो आंसर आएगा ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा मात्रा में धातु पूछा जाएगा, मेटल पूछा जाएगा, तब आंसर आएगा एल्यूमिनियम। शरत जो ऑटोमन इक्विनॉक्स, एक तरह से संपात लिखा है, इसको विषुव भी कहा जाता है, जब दिन और रात बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है, विषुव का मतलब होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो शरद यानी ऑटम के वो कब पड़ता है? तो 23 सितंबर को जो है वो शरद संपात होता है, ठीक है। और इसके अलावा 21 मार्च को भी होता है, वो वसंत संपात होता है, ठीक है, वसंत विषुव यानी इक्विनॉक्स, ठीक है। तो 2 दिन साल में 2 बार जो है दिन और रात पूरे दुनिया में बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, और वो होती है डेट 23 सितंबर और 21 मार्च। ये 2 दिन है जब पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं, ध्रुवों पे भी। इसी दिन जो है वो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात ध्रुवों पर जो है वो शुरू होती है, ठीक है। 49th पैरेलल जो है वो किन देशों की सीमा रेखा है? तो ये अमेरिका और कनाडा की है, ठीक है। 38th पैरेलल जो है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की है। भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। भारत पाकिस्तान की रेडक्लिफ, अफगानिस्तान और भारत की जो है वो डूरंड रेखा है। किस देश में सबसे ज्यादा टाइम जोन है? पहले रूस में थे, अब जो है फ्रांस में है, 12, ठीक है। और रूस और अमेरिका में 11-11 टाइम जोन हो गए, ठीक है। टोटल 24 टाइम जोन में दुनिया है डिवाइड, 1 घंटे में एक टाइम जोन जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। माउंट एटना सिसिली का ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये किस देश में है? तो ये इटली में है, ठीक है। माउंट एटना जो है वो सिसिली में है, द्वीप में, और ये इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा स्ट्रॉम्बेली ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब अभी भी इसमें से लावा जो है निकल रहा है। ये भी जो है ये आपका इटली में है। विसुवियस ज्वालामुखी ये प्रक्षुब्ध है, डोरमेंट है, ये भी इटली में है। यहाँ पर पहले निकलता था, अभी निकला नहीं है, लेकिन निकल सकता है, ठीक है। तो सक्रिय का मतलब है कि अभी भी निकल रहा है, उद्गार हो रहा है, जहां पर पहले निकला था और अभी शांत है, ठीक है। तो माउंट एटना जो है वो सिसली, माउंट एटना जो है द्वीप सिसली में स्थित है, तो ये इटली में है। तो इटली में कौन कौन से ज्वालामुखी हो गए? एक तो माउंट एटना हो गया, दूसरा स्ट्रॉम्बेली हो गया, तीसरा विशुवियस हो गया, ठीक है। इसके अलावा जापान में फ्यूजियामा है, ये प्रसुप्त अवस्था में है। इंडोनेशिया में क्राकाटाओ है, ये भी प्रसुप्त अवस्था में है। और किलीमंजारो में जो है, किलीमंजारो जो है वो तंजानिया में, अफ्रीका के तंजानिया में है ये ज्वालामुखी। किलीमंजारो पर्वत भी है, किलीमंजारो, ये शांत जो है अवस्था में है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कोई संभावना नहीं है कि भाई यहाँ से कोई उद्गार होगा, तो ठीक है। ये हम मेन मेन जो है फेमस फेमस सारे ज्वालामुखी जो है हमने पढ़ लिए, ठीक है। माउंट एटना, स्ट्रॉम्बेली, विशुवियस, फ्यूजियामा, क्राकाटाओ और किलीमंजारो, ठीक है। किस किस देश में है ये भी हमने देख लिया, ठीक है। माउंट एटना, स्ट्रॉम्बेली और विशुवियस इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में, और किलीमंजारो तंजानिया में। इनकी स्थितियां भी हमने पढ़ ली, ठीक है। सक्रिय, प्रक्षुब्ध और शांत, किलीमंजारो शांत अवस्था में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, हिमालय में है ये, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और 8,852 मीटर ऊंची है, कई जगह 48 लिखा है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये एंडीज है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, 7,000 किलोमीटर लंबी है। विश्व में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? तो ये रूस में है सबसे ज्यादा, 81 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में जो है, भारत 10वें नंबर पे है, ठीक है, यहाँ पे 8 लाख है वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो वन है वो रूस में है, और भारत में सबसे ज्यादा जंगल जो है वो मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत के आधार पर जो है वो मिजोरम में है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल जो है वो किस देश में है? तो ये बोत्सवाना में है, अफ्रीका के बोत्सवाना में, कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। इसके अलावा गोभी का पठार या मरुस्थल ये मंगोलिया में है, ठीक है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। और अटकामा डेजर्ट ये सबसे शुष्कतम जो है मरुस्थलों में आता है, अटकामा, ये चिली में है, दक्षिण अमेरिका के चिली देश में, चिली की राजधानी सेंटियागो।
ओजोन परत किस मंडल में है, तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में है। ठीक है, हम लोग जो सांस ले रहे हैं या जहां बारिश होती है, तूफान आता है, ये क्षोभ मंडल है, ये सबसे निचली परत है। ठीक है, हम लोग जहां सांस ले रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद समताप मंडल आता है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, समताप मंडल का मुख्य काम क्या है, यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है और ये ओजोन परत हमारी रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है, उसको सोख लेती है। हवाई जहाज के उड़ने के लिए परत बहुत जो है वो आदर्श है। ठीक है, स्वेज नहर जो है वो किन सागर को जोड़ती है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है स्वेज नहर। ठीक है, और स्वेज नहर जो है वो अफ्रीका को एशिया से भी अलग करती है। 1869 में तैयार हुई थी, फ्रांस के फर्डिनेंड डी लेसेप ने जो है इसको जो है वो शुरू किया था। ठीक है, फिर है ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस देश में स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये उसके जो है ये पूर्वी हिस्से में स्थित है। ठीक है, मूंगे की चट्टानें हैं ये। फिर है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दुनिया में, सुपीरियर झील है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है, और ये यूएसए कनाडा के बॉर्डर पे है। भारत में जो है वो कौन सी है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, वुलर। भारत विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। ठीक है, तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है। आबू धाबी जो है संयुक्त राज्य, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, यूएई की। रियाद किसकी राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी है। और बेरूत किसकी राजधानी है, लेबनान की राजधानी है। ठीक है, फिर है सफेद हाथियों का देश, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट जो है वो कौन है, कौन सा देश जो है वो सफेद हाथियों का देश जो है वो कहलाता है, तो ये जो है ये थाईलैंड जो है ये कहलाता है। ठीक है, फिर है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र क्या है, तो ये सेवा क्षेत्र जो है वो अर्थव्यवस्था का जो है तृतीय क्षेत्र कहलाता है। कृषि और पशुपालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी है भारत की। टूट फूट के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में जो कमी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, और मुद्रा की जो मात्रा कम करना वो अपस्फीति कहलाता है। ठीक है, और मुद्रा के विनिमय मूल्य घटाना ये जो है ये डिवेल्युएशन कहलाता है। और जो महंगाई होती है, महंगाई कीमतें बढ़ाना और मुद्रा का मूल्य गिराना, ये इन्फ्लेशन जो है मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, तो मेन मूल्यह्रास पूछा था इसमें। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है CSO वो करता है। ये 1951 में बना है CSO। ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, इसका गठन कब हुआ था, ये 1950 में जो है इसका गठन हुआ था। आजाद भारत का पहला बजट जो है वो किसने प्रस्तुत किया था, तो ये आर के षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था 1947 में। ठीक है, पहला बजट 1860 में जो है वो जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1958-59 में जो है वो बजट प्रस्तुत करने वाले, वो पहले प्रधानमंत्री थे, 58-59 में जो है उन्होंने जो है वो बजट प्रस्तुत किया था उन्होंने। फिर है भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और 1921 में जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तीन बैंकों, प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर बना था 1921 में, और 1955 में इसका नाम बदलकर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम कब से पड़ा है, 1955 से पड़ा है। इससे पहले इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है वो स्थापना हुई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भारत में, तो ICICI जो है वो सबसे बड़ा बैंक है। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये 1969 में हुआ था, 14 बैंकों का, और फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब तो बैंकों की संख्या जो है काफी घटा दी गई है। ठीक है, बहुत सारे बैंकों का विलय कर दिया गया है, ये विलय के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। 916 शुद्धता गोल्ड कितने कैरेट की होती है, तो 22 कैरेट गोल्ड जो है वो 916 होती है, मतलब 1000 में 916% जो है वो शुद्ध होता है 22 कैरेट जो गोल्ड है। नबार्ड की स्थापना कब हुई है, ठीक है, तो ये 1982 में नबार्ड की स्थापना हुई है। ठीक है, बैंक है ये।
जो किसानों को ऋण देता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वैट जिसको कहा जाता है, ये कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2005 को, ठीक है। जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये जीएसटी जो है वो 101वां संविधान संशोधन है, ठीक है। और जीएसटी लागू कब से है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है वो लागू हुआ है, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां। इनकम टैक्स कौन इकट्ठा करता है, तो केंद्र सरकार जो है वो इनकम टैक्स इकट्ठा करती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2009 में हुई थी, कंपटीशन कमीशन, ठीक है, ऑफ इंडिया, सीसीआई भी बोलते हैं इसको, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को 2009 में गठित हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में हुई थी और 30 शेयर लिस्ट है इसमें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली में है उसमें 50 शेयर जो है लिस्ट है। सेबी की स्थापना कब हुई, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म है सेबी की, तो ये 1988 में गठित हुआ है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है, तो मुंबई में है, यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दलाल स्ट्रीट में, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना, ठीक है, और योजना आयोग को हटाकर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष आप बता सकते हैं कौन है इसके। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, और अभी कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना पर का फोकस किसके ऊपर था, तो भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका फोकस जो था वो, ठीक है, 51 से 56 तक पहली थी, 57 से 62 तक जो है वो, 61 तक जो है वो दूसरी थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस था उद्योगों पर, पहली पंचवर्षीय योजना का फोकस था कृषि के ऊपर, ठीक है, भारत की। और हिमाचल की तो पहली दूसरी तीसरी सबका फोकस जो था वो सड़क निर्माण पे था, क्योंकि यहाँ पर जो है सड़कों की बहुत कमी थी, ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति कौन देता था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको एनडीसी कहते हैं, 1952 में बनी थी एनडीसी, अब तो है नहीं, ये भी खत्म कर दी गई है। उपभोक्ता सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था, ये 1986 में लागू हुआ था, ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा कानून, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अधिनियम, ठीक है। और LIC जो है वो 1956 में बनी है, LIC कब बनी है, 1956 में, ठीक है। फिर है हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री से पहले हम जो है वो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है, इन्हीं के नाम पे राजधानी है। बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई, 9 नवंबर 1989 को तोड़ी गई। इसके बाद जो है फिर 1990 में जर्मनी जो है पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए, और जर्मनी की राजधानी, नई राजधानी क्या है, बर्लिन। 1971 में बांग्लादेश को, 1971 से पहले बांग्लादेश जो है किस देश का हिस्सा था, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा था और ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1971 के युद्ध में फिर, ठीक है, बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, और फिर शिमला समझौता हुआ था 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। भारत संविधान बनाने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। किस केस में जो है संविधान के मूल ढांचे को मान्यता दी गई, तो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल जो ढांचा है, वो केशवानंद भारती केस जो था 1973 में, उसके बारे में उस बात की गई है। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, 7वें शेड्यूल में है कंकरेंट लिस्ट, तो ये हमने किस देश के संविधान से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया, 22 भाग में है भारत के संविधान को हमने बांटा है, ठीक है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया है, आज तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, और वो संशोधन हुआ था 1976 में, जब प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जब प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़ा गया था, एक ही बार संशोधन हुआ है, ठीक है। फिर है संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में था, तो अब ये कानूनी अधिकार ही रह गया है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन से संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर किया गया है, तो ये 44वां संविधान संशोधन था 1978 का, ठीक है। जो 61वां संविधान संशोधन था वो 1989 में आया था, उसमें जो वोट डालने की आयु है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। और जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, 1992 का एक्ट है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो ये आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। आज तक देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है।
इमरजेंसी तीन बार लगी है आर्टिकल 352 में, ठीक है, 62 के युद्ध में, 65 में और फिर जो है 75, वो कंटिन्यू रही 65 नहीं बल्कि 71 और 75 में। फिर है राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में दी है, अगर हम राष्ट्रपति के ऊपर जो है वो इंपीचमेंट करना चाहते हैं राष्ट्रपति की, उस पे महाभियोग लगाना चाहते हैं तो आर्टिकल 21 में उसके बारे में दिया गया है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 108 जो है वो ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन से जुड़ा हुआ है राज्यसभा लोकसभा के। और आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश लाने से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अध्यादेश जो है वो आर्टिकल 123 में लाया जाता है। अनुच्छेद 23 किससे जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 23 जो है वो मानव बेकार और तस्करी पे रोक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत जिसको हम छुआछूत कहते हैं उसका अंत आर्टिकल 17 में है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। और 14 साल से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में या रोजगार में रखने पर रोक जो है वो आर्टिकल 24 में है, ठीक है। फिर है मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान पहले 7 थी अब 6 हो गई है, संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया 78 में 1978 में 44वें संविधान संशोधन से। तो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या जो है वो 6 है और ये मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए हैं, हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। हमने मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए हैं, तो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ठीक है। ये संविधान के भाग 4 में, भाग 3 में तो मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निदेशक सिद्धांत है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 12 से 35 तक आर्टिकल जो है वो मौलिक अधिकारों का है, 36 से 51 तक जो है वो नीति निदेशक सिद्धांतों का। मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज वो भाग 4 ए और अनुच्छेद 51 ए में है। ये 1976 में लिए गए थे सोवियत संघ से। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, अधिकार तो 6 हैं, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं। फिर संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है, ठीक है। वर्तमान में 545 है जिसमें से 543 के लिए चुनाव होते हैं और 2 सीटें जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व हैं, जो कि जिसको नॉमिनेट करता है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 सदस्य, ठीक है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है 2019 से 2024 तक, तो ये 17वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है। 543 के लिए चुनाव होते हैं, 272 बहुमत का आंकड़ा है, 2 एंग्लो इंडियन जो है वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। कौन संसद का हिस्सा नहीं है, तो विधानसभा संसद का हिस्सा नहीं है। लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर जो है, सॉरी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर जो है वो संसद का हिस्सा है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा को ही हम संसद नहीं कहते, जब राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है तो फिर वो संसद कहलाती है, ठीक है। तीनों ही संसद का हिस्सा है। भारत में राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। जैसे जम्मू कश्मीर को अभी चेंज किया या तेलंगाना नया राज्य बनाया, तो ये केंद्र सरकार कर सकती है, संसद, ठीक है। संसद जो है वो सीमाओं के या नया राज्य बना सकती है, उसकी सीमाओं में जो है परिवर्तन कर सकती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। 2 बार राष्ट्रपति आज तक सिर्फ राजेंद्र प्रसाद बने हैं, कोई और लगातार 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है। भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, वही 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1977 में 77 में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मुरारजी देसाई, ठीक है। और हिमाचल में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे शांता कुमार 77 में। सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो ज्योति बसु रहे हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री सीपीएम से। और संयुक्त अधिवेशन जो होता है, ज्वाइंट सेशन जो होता है 108 में, आर्टिकल अभी हमने ऊपर पढ़ा आर्टिकल 108 में, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा का जब ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो अपना जो रेजिग्नेशन है, त्यागपत्र है, वो किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति जो है, ठीक है, वो संसद की सबसे बड़ी समिति नहीं है। सबसे बड़ी समिति कौन सी है, एस्टिमेट कमेटी, प्राकलन समिति, इसके सदस्य हैं 30 टोटल, ठीक है, और सभी के सभी लोकसभा से हैं। जो लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो उसके टोटल सदस्य हैं 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो अब जो है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, लास्ट मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहदत्त थे लास्ट मौर्य सम्राट,
और इनकी हत्या की थी पुष्यमित्र सुंग ने, ठीक है, और सुंग वंश की स्थापना की थी 185 बीसी में। गौतम बुद्ध की माँ जो है महामाया, वो किस वंश से थी? तो वो कोलीय वंश से थी, ठीक है। उनका विवाह क्षत्रिय शाक के वंशी राजा सुद्धोधन से हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? तो कुमार गुप्त के काल में हुआ था, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये बिहार में है। और कुमार गुप्त फर्स्ट जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है वो दो हिस्सों में बट गया था, महायान और हीनयान, ये दो शाखाएं हो गई थी। तो ये कौन सी बौद्ध संगति में हुई थी? तो चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, जो कि 72 AD में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, चौथी बौद्ध संगति, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो 72 AD में कश्मीर के कुंडल वन में जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया और उसके दो पंथ बन गए, महायान और हीनयान। मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी उसने, ठीक है, सेल्युकस निकेटर ने उसको भेजा था। तो उसने क्या नहीं कहा था भारत के बारे में? तो उसने कहा था कि भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं, ये नहीं कहा था। यहाँ पे बहुत सारा सोना चांदी तांबा है, यहाँ पे सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है, ठीक है, और उसके दौरान जो है डायनोसियस ने जो है भारत पे अटैक किया था, ये सब बातें उसने कही थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर जो है वो अग्नि वेदिकाएं जो है प्राप्त हुई थी? तो ये कालीबंगा में प्राप्त हुई थी। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे ऊंटों की हड्डियां, अग्नि वेदिकाएं, ये सब जुते हुए खेत, ये सब के जो है साक्ष्य मिले हैं। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था, ठीक है, और जो उसकी माँ थी वो लिच्छवी थी, तो इसलिए उसको लिच्छवी दौहित्र के नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है। वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो ये 540 ईसा पूर्व बीसी के आसपास हुआ था, ठीक है, और कहां पर हुआ था? कुंडल वन, कुंडग्राम, वैशाली में, ठीक है, और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये दो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में, या कुंडलग्राम कुंडल वन वैशाली, और मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी, ठीक है, वो हर्षवर्धन के राजकवि थे। उन्होंने हर्षचरित के अलावा जो है वो कादंबरी की रचना भी की थी, ठीक है। नंदवंश की स्थापना किसने की है? तो ये महापद्म नंद ने जो है नंदवंश की स्थापना की थी, ठीक है, और 16 सालों तक जो है राज किया। बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को समाप्त करके, धनानंद को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पे अटैक कब किया था? 1175 में किया था, और दो लड़ाइयां इसकी बहुत फेमस है पृथ्वीराज चौहान के साथ। तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192, ठीक है, एक में वो हार गया था, दूसरे में वो जीत गया था। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता? तो जहांगीर का जो टाइम है वो चित्रकला के लिए, पेंटिंग के लिए सबसे ज्यादा जो है वो गोल्डन पीरियड है, ठीक है, जहांगीर का टाइम। फिर है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावत त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो राज्य में विद्रोह दबाने के लिए जो है अपने अमीरों के बीच दावत पे जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था। मेहरुनिसा किसका नाम था? तो नूरजहां का जो है नाम जो था वो मेहरुनिसा था, ठीक है, और वो शेरे अफगान की विधवा थी, ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर ने उन्हें नूरजहां की उपाधि दी थी, ठीक है, तो मेहरुनिसा जो है वो नूरजहां का नाम था। अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा है, और ये किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में जो है अकबरनामा लिखा गया था। 1576 में जो है वो कौन सा युद्ध हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच में। तो अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप का युद्ध है ये, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। तो अकबर की तरफ से जो है वो मानसिंह लड़े थे, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? तो अलबरूनी आए थे, ठीक है। अलबरूनी जो है ये मोरक्को के नहीं थे, इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का था, पर महमूद गजनवी जो है वो उनके साथ जो अलबरूनी आए थे, ठीक है। और इबन बतूता जो है वो भी इतिहासकार है, वो उसके बारे में पूछते तो वो मोरक्को का था। फिर है, इक्ता प्रथा जो है वो किसने बंद किया? तो
एकता प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो इसको बंद किया, इल्तुतमिश ने शुरू किया था ये, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो उसका पूर्ण निर्माण किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड। वैसे तो मौर्य काल में बना था पर शेरशाह सूरी को ही बोला जाता है जीटी रोड बनाने के लिए, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, शाहजहां की मृत्यु कब 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 हुई थी, तो शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई थी। वैसे तो उसको 1658 में ही कैद कर लिया था औरंगजेब ने, औरंगजेब जो था बेटा था शाहजहां का, ठीक है। 8 साल जेल में रहने के बाद उनकी मृत्यु हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन क्यों फेमस है, तो यहाँ पे पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, ठीक है। राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन है। तो 1896 के पहली बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम लिया कहाँ गया है, लिया कहाँ से गया है, ये बंकिम चंद चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफे को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे छूट दी थी प्रेस को। भारत में पहले यूरोपीय बस्ती किसने स्थापित, कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो कोच्चि में हुई थी, ठीक है। तो केरल के एर्नाकुलम जिले के कोच्चि में जो है वो पहली यूरोपीय बस्ती जो है वह एस्टेब्लिश हुई थी। फिर है बक्सर की लड़ाई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी, तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में वो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का मीर कासिम के विरुद्ध, ठीक है। और 1757 में जो है वो कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक है, बक्सर की लड़ाई, और सिराजुद्दौला के साथ जो युद्ध हुआ था उसका नाम आपने बताना है। 1757 में ये युद्ध हुआ था। किस आंदोलन का शुरुआत जो है वो नमक कानून तोड़ने से हुई थी, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की थी महात्मा गांधी ने, और 6 अप्रैल 1930 को डांडी में जो है ये खत्म की थी, ठीक है। डांडी में जो है नमक बनाकर फिर नमक कानून तोड़ा गया और वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 10 मई को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और ये जो था ये मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, 1857 की क्रांति जो है वो मेरठ से शुरू हुई थी 10 मई 1857 को, ठीक है। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और ये 56 से लेकर 62 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, और ये पहले वायसराय भी हैं लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो कहां पर हुई, सिंगापुर में की थी सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1929 के रावी नदी के किनारे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और वेदों की ओर लौटो जो है नारा दिया था। इनकी एक पुस्तक जो है वो बहुत फेमस है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। साइमन कमीशन जो है वो किस वायसराय के काल में जो है भारत आया था, तो लॉर्ड इरविन के टाइम में आया था। 1926 में जो है इसको नियुक्त किया गया था, 27 में जो है इसका गठन किया गया, और 28 में जो है ये भारत आया था। साइमन कमीशन इसका विरोध करते हुए ही लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। हमने इंडिया जीके के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। धन्यवाद, थैंक यू।